हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम बीडीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए एक राइटिंग का टॉपिक लेके आई हूँ एंड दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम माय ऑनलाइन कोर्स। ये जो नया हमारा कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है उसमें हमने ऐसे पढ़ाना है। मैंने राइटिंग टास्क 2 एक आपको पूरा लिख के दिखाया है, इसके साथ मैंने आपको असाइनमेंट दे देनी है। टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट टास्क 2। मैंने अपने बड़े वीडियोज में आपको पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, कंक्लूजन्स, इंट्रोडक्शन सारी सिखाई हैं, बट आज एक पूरा ऐसे आपके सामने फ्रेम किया है। आपने इस ऐसे को ऐसे ही समझना है और नेक्स्ट ऐसे जो मैंने असाइन करना है वो आपने खुद करना है। हमारा ऑनलाइन का प्रोसीजर कुछ ऐसे ही चलता है, इट इज़ अ कम्प्लीट कोर्स। मैंने बच्चे को कोर्स दे देना है और ऑनलाइन कोर्स में उसको असाइन कर देना है कि आज आपने यहाँ से यहाँ पढ़ना है, नेक्स्ट विल बी अ लाइव क्लास। Now I'll be telling you how to attempt writing task 2, which is generally confusing for the students. Some people believe we should visit places to know the culture, whereas others think internet and books are good. That means it is divided into two parts. Ek internet and books ho gaya first, and the second is visiting a place. That is the first part to get an information. Now the question is, you have to give your opinion, but you have to discuss both the views. So this is the bifurcation of the question. Ye question ki division hai. Question means humne isko aise divide kiya hai ki internet or books is a better source ya wahan pe jaake culture ko seekhna better source hai. Whenever you have a question jahan pe dono cheezon ko discuss karna hai aur apni opinion deni hai, सबसे पहले